दर्शकबिन नमस्कार, आए अपने सबके बीच उपस्थित छथि जे जनता समाजवादी पार्टी के नेता। ओ विगत जे मधेश में जते आंदोलन भेलै ते आंदोलन सब में जनकपुर से प्रतिनिधित्व करै छलथि। ओ मधेशी दल के सब दिन जनकपुर से एगो आंदोलन के रूप से अग्रणी स्थान में जाए, मधेशी दल के नेतृत्व से हो एगो सरकार में जाकर टसल करे, सरकार में प्रतिनिधित्व करे, तै भावना से वो जागरूक भ सब दिन आंदोलन में लागल रहे। वो आए अय प्रदेश के जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के खसा प्रदेश सभा में निर्वाचित सांसद सेहो छथि आ पूर्व राजपा निकट के जे दल है ते दल के प्रमुख सचेतक के रूप में सेहो छथि। ओ छथि परमेश्वर शाह जी, अपने सबके जानल मानल व्यक्तित्व छन। ओ राजनीति में एगो बौद्धिक हिसाब से बौद्धिक तवर से जे जनकपुर के अपन कर्मभूमि ठान क मान क ओ अय से आंदोलन होए आ चाहे भी कोनो भी राजनीतिक कार्यक्रम होए ओय में अय हिसाब से ओ प्रस्तुत होए छे। दर्शकबिन, आए हम सब देश के समसामयिक राजनीति आ मधेश के जे राजनीतिक घटनाक्रम संगे जोड़ कर देश के निकास आ मधेश के विकास केना के होते आ अय में जो ई नहीं हेते तो अय में बाधक के सब बनते आ के सब होते, अय सब विषय सब पर हम सब चर्चा परिचर्चा करब। तो तै से पहले उनका स्वागत करी जी। अपने के स्वागत है। धन्यवाद रामदेव जी। नेताजी, अखन जाटदबर अपने कहू जे देश में जे अखन बहुत बड़का राजनीतिक उथल पुथल भ रहल छे, ए अय बखत में अखन के अवस्था में देश के विकास केना संभव? निश्चित रूप से प्रदेश और देश संघीय संरचना में गेला के बाद जे 74 के निर्वाचन भेले ओहि निर्वाचन से एकटा मैंडेट भेटले कि देश में अस्थिर सरकार होबक चाही और उस सरकार संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत विकास करे, ओकर जे जते अवयव सब है ओहि सब के संस्थागत विकास होए। तै हिसाब से देखबे तो जनता नेकपा के तत्कालीन एमाले और माओवादी मिलकर जे नेकपा रहे ओकर गठबंधन रहे ओकरा लगभग दू तिहाई बहुमत देलकै। अई प्रदेश दू जे हम अहाँ देखे छे अहू में जे तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जेकर गठबंधन रहे ओकरो सरकार बनाबक लेल बहुमत प्रदान केलकै और पूरे देश भर में ई भेलै कि आब देश में एकटा स्थायी रूप में सरकार चलते। नेपाल के दुर्भाग्य को अखन तक कोनो सरकार 5 वर्ष तक नहीं टिकले, कंटिन्यू काम नहीं कैने, जे इतिहास बता रहल है। तो लोग में मतलब एक विश्वास पैदा भेले कि आब इस सरकार सब जैसे 5 वर्ष अपन काम करते आ देश के विकास भी होते, राजनीतिक स्थिरता भी होते और जतेक भी मतलब जे देश के संचालन करे वाला जे निकाय सब है उस सब जैसे अस्थिर भ के संस्थागत विकास होते से अपेक्षा कलक रहे। लेकिन दुर्भाग्य जे दू तिहाई के लगभग के सरकार रहे ओली जी के ओहो काम नहीं कर सकले। बीच में जैसे सरकार के विभिन्न किस्म के मतलब जैसे परिवर्तन सब देखे रहल छे, अपने भीतर में द्वंद के कारण आए जैसे मतलब विभिन्न चरण में विभिन्न किस्म के सरकार के गठन के प्रक्रिया सब भी भेल है। ई नेपाली जनता के लिए बढ़िया संदेश नहीं छे। दुर्भाग्य के बात, दुर्भाग्य के बात। केन्द्र के जे नीति अखन प्रदेश दू में से हो निश्चित रूप से प्रदेश दू भी ऐसे प्रभावित छे। अब प्रदेश दू में जब बात अपने उठाई दिलिए तो प्रदेश दू के जनता हमरा सब के जे गठबंधन रहे तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम के साथ और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के साथ ओकर जे गठबंधन के जे जनता सम्मान क के जैसे हमरा सरकार बनाबे के बात कलकै, हम सब निश्चित रूप सरकारो बनेलिए। 3
अखन लगभग 3.5 वर्ष भ रहा है, कोनो प्रकार के कत मतलब अहाँ के आपस में कोनो द्वंद्व नहीं छले, लेकिन जखन केंद्र में जब प्रभाव पड़े तो ओकर प्रभाव अहो देखल गेल है। अब अपने विचार में अहो द्वंद्व भ रहा है, तो अहि द्वंद्व से बुझाइए कि अहो प्रदेशों के जनता में एक नैराश्यता है, प्रदेश के जनता भी जे मधेसी जनता के मांग के मुद्दा के हिसाब से हमरा सबके मत देने रहे, लेकिन हम सब भी कत न कत द्वंद्व में विचलित भ रहा है आ एकर प्रभाव प्रदेश दुइयों में पड़ रहा है। नेकपा के रोग जसपा में लाई एकदम देखा पड़ रहा है, जे रोग नेकपा के छले उहे रोग अखन जसपा भीतर में छे, और ई देश के लेल और इवन जे पार्टी में हम सब छी जसपा में और उमर नेकपा में उनको सबके लेल मतलब अहाँ के बहुत निराशाजनक अवस्था छे। जनता सब बुझ रहल है कि देश के बात करी तो नेकपा जे थाई रूप से सरकार चलाव नहीं सकल के, देश के जे हिसाब से उन्नति प्रगति होबाक चाही ओहिमे कतौ ने कतौ वो सब जे चुई गेल छै, तेहने मधेश के जनता सेहो बुझि रहल छै कि जसपा जे बहुमत देने होइ तो जनता के भावना अनुरूप काम कर नहीं सकल छै। निश्चित रूप से ई त स्फूर्त रूप में जनता के बुझे वाला बात छै, आके अखन तक ल दू तिहाई के सरकार के जे काम सब रहे जना देश में मान लिया अहाँ के संघीय संरचना के जत्ते भी संस्था सब छे ओकरा रहले संस्थागत कर के, देश के जनता के आवश्यकता की रहे जना नागरिकता संबंधी बात उठे छे, जना के मान लिया अहाँ के संविधान संशोधन के बात उठे छे, लगायत बहुत एहन मांग मुद्दा सब छे जना बहुते साथी सब जे मतलब आंदोलन के लिए देश में संघीयता लाबे के लिए अखन तो जेल नेल में छे, अइ सब मुद्दा के संबोधन करक चाहे एमे भी सफल नहीं भ सकली संघीय सरकार। तहिना प्रदेश दू में जे हम सब अखन जसपा के सरकार छे, आई दू तीन दिन पहले अहाँ सब भी सुनल हो जसपा के बहुमत हो तो कांग्रेस के एंट्री कराएल गेल सरकार में, कांग्रेस के एंट्री कराना है, अब कौन उद्देश्य सब है अखन चीज अब हमरा सबके जानकारी में तो नहीं आयल, कांग्रेस अ सरकार में कैला आयल है इस सरकार के सहयोग करके ले लिए कि इस सरकार के डिस्टर्ब करके ले लिए आयल है, तो कौन कौन मुद्दा पर सहमति भग आयल है कि जे हमरा सब के जनता मैंडेट देने हैं वही मैंडेट अनुसार जे मधेश के जनता के मांग मुद्दा छे वही में वो सहयोग करते कि मधेश प्रदेश में वो सहयोग करते कि जनकपुर धाम राजधानी में वो सहयोग करते कि लगायत के विभिन्न विकास निर्माण के काम सब छे, तो ये चीज सब अभी क्लियर नहीं भेल है, धीरे धीरे क्लियर हो जेते, तो अ सब से ही बुझा रहा छे कि संघ में नेकपा के अपना अंतर्द्वंद के चलते वो अहाँ के मतलब दरकिनार भ रहा छे, ओकरे प्रभाव प्रदेश दू में जसपा भीतर के अंतर्द्वंद के प्रभाव के चलते भ सके, अये के जनता के जे प्रकार के सेवा सुविधा चाहिए वही में वंचित हो जा रहा है कि ई मतलब साइन ऑफ इंडोगेशन छे त की जनता आब के आबे वाला निर्वाचन सब में जनता समाजवादी पार्टी के स्वीकार करते त जो दू तिहाई बहुमत देने रहे अपने सबके, अपने सब सरकार सेहो बनेलिए आ अपने सब कतौ ने कतौ ओहि सरकार के स्थिर रूप से टिका बनि सकलिए, निश्चय में सरकार हेर फेर कर दिलिए तो जनता फिर सब अपने सब के निर्वाचन एकदम जे मत देते ता जनता जे होय छे जकरा हम सब जनार्दन कहे छे, जकरा हम सब सार्वभौम सत्ता संपन्न नागरिक के रूप में कहे छे, वो प्रत्येक 5 वर्ष में आवधिक निर्वाचन होक चाहे वही से जे से नीक काम करे वाला के मतलब अहा के रिवार्ड देते, गलत करे वाला के पनिशमेंट करते, इस आम बुझाय छे अखन के जे प्रकार के एक्टिविटी छे निश्चित रूप से जनता मूल्यांकन कर रहल है, जनता जैसे सब देख रहा है, जनता के बुझा रहा है कि हम सब जे उद्देश्य से मधेशवादी के या गठबंधन मधेशी गठबंधन के वोट दक मधेश में 5 वर्ष अहाँ सरकार चलाओ, दू तिहाई तो नहीं सामान्य बहुमत से हमारा सबके 107 में 55 आदमी हम सब जीतल छे, तो सरकार बनवा में कोनो कठिनाई नहीं है, लेकिन बहुमत तो छे बहुमत छे वही 55 के भीतर में जे द्वंद्व छे, जे द्वंद्व छे हम अखन हम सब विभक्त भगले से बात नहीं छे, हम सब अलग भगले से बात नहीं छे, लेकिन द्वंद तो छे ई तो सब जाग जाहिर छे ई सब बुझ रहल छे, तो निश्चित रूप से जनता ए चीज के वाच कर रहल है, ए चीज के देख रहल है, यदि हम सब डिवीजन भगले हम सब अलग भगले तो निश्चित रूप से जनता हमरा सब के पनिशमेंट देते सजाए देते और आवे वाला समय में ई सब के लिए नकारात्मक बात होती, तो ओहन बेर में जे जनता जो जनता के मांग मुद्दा जे मधेसी जनता के जे है वो जब संघ सरकार में जे अपने के जसपा से किछ शीर्ष नेतृत्व सब सेहो सरकार में चल गेल अवस्था छे, आ तहिना प्रदेश में सेहो जे जसपा के
किछ मंत्री सबके हटा कर कांग्रेस माओवादी के जे लजाए के बात है, कांग्रेस के तो लग गए आधिकारिक के रूप में, माओवादियों के लजाए के बात है, तो एहन बेर में जो वो सब समर्थन करते कि नहीं? केंद्र के और प्रदेश के संरचना छूटे छे। केंद्र में हम सब प्रतिपक्ष में छलिए, वही हम सब सरकार में गेलिए तो हम सब ओली जी के सरकार में जाकर अपन मांग मुद्दा संबोधन कराबे के लिए हम सब गेलिए। हम ओहि में कते सफल हो गए सफल आबे वाला दिन के बाद भले, लेकिन प्रदेश दू में हम सब तो रूलिंग पार्टी छलिए, हमरा सबके तो मान लिए सरकार छलिए। अइ में जेनाहिते हमरा सबसे ई प्रश्न पूछे छी, अहाँ ओहि अकेला गेलिए, हमरो प्रश्न वह है कि हमरा सबके बहुमत हो तो कांग्रेस अइ में सरकार में किया एलै, ओकर की उद्देश्य है, ओकर चाहना की है, ओ किस कह के मतलब अइ सरकार में मतलब उपस्थित भेले है, तो ई बात अभी तक क्लियर नहीं है सरकार के। हम अइ विषय में अपने सबके सहयोग करब से हां देखबे दू बुदे सहमति कैसे में बात सब तो झलके नहीं है, तो तै दुआरे दू बुदे सहमति में उचित नहीं पते नहीं है कि अइ सरकार के हम मान लिया मांग मुद्दा है, सरकार के जो उद्देश्य है, ए सरकार के जो लक्ष्य है, सरकार के जो कार्य नीति सब है, वही में सहयोग कर मधेसी जनता के मुद्दा के संबोधन कर से कत लिखल है सोझे उस सरकार में समावेश भेलखि न। दोसर कहने से दोसर मुद्दा में हम सरकार में जाए, एक मुद्दा में एक दोसर में कहने से मंत्रालय के बारे में बाइक के बात में छलफल करब, ई कोनो तर्क नहीं भेले। कोनो सरकार में यहाँ जबे तो वही सरकार जो समझौता हो कि अहाँ जो जाए के उद्देश्य हमारे ये अं दुआरे अहाँ के सरकार में हम जाए, अथवा जे कोई सरकार में लगे संगे समझौता करते होते कि अहाँ अं में हमारा संगे अबी तो अ हिसाब से कर। जेना केंद्र में हमारे नेता सब गेल कोई है तो वही एकदम प्रश्न भेल कि मधेसी जनता के जे मांग सब है वही मांग के संबोधन करू तब हम अहाँ के सरकार में जाए, जैसे कुछ हद तक अगड़ी बढ़लो सब चीज भग से हम अखनो नहीं कह भ सके डिजाइनो भ सके, तेकर बावजूदो कुछ मांग लग पर ओहि सरकार में गेले। कांग्रेस प्रदेश दू में न ओकर कोनो मांग छे आ न सरकार जे छे ओकरा संगे कोनो समझौता कयने छे एहिमे आउ कहि कऽ, तऽ ई देखा रहल छै कि मधेसी जनता जब बहुमतो देलकै, हमसब रूलिंगो पार्टी छी ठाम, हमरा सबके सरकार है, तेकर बावजूदो हमसब अपना बहुमत के बाईपास कऽ कऽ दोसर के हम सरकार बना देलिए जे प्रतिपक्ष में छलै। काल्हि तक हमरा मुख्यमंत्री जी के विभिन्न आरोप लगै छलै, आइ एहिमे आबि कऽ हमरा सरकार में एलखिन हँ, तऽ ओ देश के तऽ ओकरा जे छै पुष्टि करै पड़तै की कारण से अहाँ सरकार में एलिए। जेना संघ सरकार के जे बात करी तऽ जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक राजनीति शक्ति के रूप में उदयमान छले, देश के रूप में कहल जाए तो मधेसी के नेतृत्व में जे प्रधानमंत्री पाव सकल के अवस्था छले, जो जे वही हिसाब से गठबंधन बनते तो पाइयो सके छले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तो नेपाली कांग्रेस छले। नेपाली कांग्रेस के यदि समर्थन नहीं भेटे है तो वही ओकर प्रभाव जनता समाजवादी पार्टी में अत, जनता समाजवादी पार्टी के कोनो भी नेता के अगाड़ी लगा कर उस सब पाछा हट कर जे सरकार में आ सरकार के नेतृत्व कर के जिम्मेवारी द सके छले। लेकिन एहने बीच में जे जसपा विभक्त भ गेले संघ में, तो ऐसा जनता समाजवादी पार्टी के जे आब के देश के राजनीतिक भविष्य कोनी जा रहल छे? निश्चित रूप से अहाँ जे कहली कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री बन के संभावना छले, हमरा बुझाइए अपने ऋषि धमला जोड़े महंत ठाकुर के इंटरव्यू यदि देखने आबे ओहिमे प्रश्न कयने छै, यदि हमरा प्रधानमंत्री बनाबे के रहे तो बता दिए कोनो दल निर्णय कयने होय, जब जे की कहै छै सरकार बनबे के बात भेलै तो शेर बहादुर देउबा के अगाड़ी बढ़ाएल गेलै। इवेन जनता समाजवादी पार्टियों में नेता सब विभिन्न मीडिया में तो बजे कि हमी महंत ठाकुर के प्रधानमंत्री बनाने तैयार छो, लेकिन निर्णय नहीं कर सकले, उल्टे की गलके शेर बहादुर के जाकर सही कर प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव पारित मतलब अगड़ी बढ़ल के, तो ये सब की छे अपना सबके ठाम आपस में द्वंद्व कराबे के ये चाल सब छे। ठीक छे, यदि महंत ठाकुर प्रधानमंत्री बनती तो मधेसी जनता के लिए मात्र नहीं देश के लिए बहुत लोग के लिए ये चाहना छले कि मधेस के प्रधानमंत्री आइ दिला नहीं भेलछे होबाक चाहिए, लेकिन अपने दल भीतर के जे द्वंद के कारण अपने दल भीतर के जे अहाँ विभक्त अभी विभक्त तो हमसब नहीं भेल छी, लेकिन संभावना ओहने छे जे हमसब अलग हो जा रहल छी। कोन अवस्था में हमर एकता भेल है ओहि चीज के हमसब कोई ध्यान नहीं देलिए, ओहि टाइम में की बुझाए जे समाजवादी पार्टी के अवस्था डमाडोल भ गेल रहे, अलग पार्टी खोल के अवस्था भ गेल है। वही टाइम में अहाँ के राष्ट्रीय जनता पार्टी रात के 12 बजे माननीय शरद सिंह भंडारी जी के घर में सहमति कर के वही पार्टी के बचाएल गेले और दोनों पार्टी मिलकर जनता समाजवादी पार्टी के
रूप में स्थापित कल गए, लेकिन एको वर्ष नहीं बीतते अहाँ के पार्टी अखनी जैसे अलग अलग होकर अवस्था में है। तो इस सब कारण के भी जनता मूल्यांकन कर रहा है कि मान ली आखिर मधेसी जनता एना अकेला कर रहा है, मधेसी नेता एना अकेला कर रहा है। तो मधेसी नेता के कारण निश्चित रूप से जनता में जे प्रकार के मधेस के प्रति मधेसी जनता के प्रति एक सम्मान छे इज्जत छे ओमे कमी अल के मतलब कहे तो नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी के टुकड़ा टुकड़ा करके अवस्था में चल आये निश्चित रूप से वो सब तो रणनीति में सफल छे। आ हमरो सब के जे सोच होब चाहिए जे एक दूसर के स्वीकार करके नेतृत्व में सबसे बड़का कमजोरी छे केकरो कोई स्वीकार करके तैयार नहीं छे। सब बुझे छे हम सुपर तो हम सुपर ओकर की छे फल अहाँ के हमरा सबके विभक्त होके कारण छे। दोसर जे हमरा सबके विरुद्ध में सब दिन चले चाहे कांग्रेस हो एमाले हो माओवादी हो जे कहियो नहीं चाहे छे मधेसी पार्टी अगाड़ी बढ़े ओकरा सबके भी रणनीति एमे सफल भ रहल छे आ हम सब एमे प्रभावित भ रहल छे। मधेसी नेता सब ई बुझत चाही कि विन विन के सिस्टम में चल पड़े हमरा सबके जीत है, लेकिन वो सब जे एमे जे सचेत हो नहीं सकले निश्चित रूप से एकदम केकरो मतलब नेतृत्व स्वीकार के लिए तैयार नहीं भेले केकरो नेतृत्व स्वीकार के लिए तैयार नहीं भेले हम जे कहै छी उहे ठीक प्रधानमंत्री भ जते तो उपेन्द्र यादव के जीत है से उपेन्द्र यादव के स्वीकार पर जे राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री बन जते तो एमे महंत ठाकुर के की हर्जा छे उपेन्द्र के की हर्जा छे उपेन्द्रो जी प्रधानमंत्री बन जते तो एमे महंत ठाकुर ई सोच होवे के हर्जा मतलब तकलीफ नहीं होई नहीं होई चाहिए विन टू विन के सिस्टम रहे एकदम एकदम कोई विन विन के अवस्था होवे के चाहिए। मधेसी प्रधानमंत्री भेले एमे सब कोई के खुशी रहवा चाहिए लेकिन स्वीकारोक्ति नहीं छे किछु एकर दर्शकबिन अखन बेर भेल अछि विश्राम के। विश्राम के बाद फिर से अपने के स्वागत नेताजी फिर से स्वागत धन्यवाद। अपने सब अखन बातचीत कर रहल छली जे राजनीति में विन विन के सिस्टम रह चाही जे जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब में कत्तो देखाई नहीं पड़े ओकर डायरेक्ट असर प्रदेश दू में पड़ गेल छे। आप प्रदेश दू के विकास समृद्धि केना है कोन रूप से आगाड़ी बढ़ते अपने सब के एजेंडा है मधेश प्रदेश आप मधेश प्रदेश बनते कि नहीं एकदम अपने के प्रश्न समय अखन के अनुसार के मांग के अनुसार के प्रश्न है। हम सब वही चाहे छे कि प्रदेश नंबर दू में मधेसी जनता के सरकार है। मधेसी जनता हमरा सबके सरकार बनाबे के पछाड़ के कारण होते कि जे मधेस आंदोलन में जे शहीद सब भेलखिन मधेस में जे घायते सब भेलखिन मधेस विकास निर्माण में जे पछाड़ी पड़ल छे तो जे साधन स्रोत छे ओकरा अधिकतम प्रयोग कर मधेसी जनता के डायरेक्ट बेनिफिट होय ते सोच बनाबे के हमरा सबके कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़े के चाहिए। सरकार प्रत्येक साल नीति तथा कार्यक्रम पेश करे हाउस में बजट भी पेश करे हाउस में लेकिन अही सब कुटियावित रहे पत्रकार के रूप में कि सरकार अपन खर्च पूरा भी नहीं कर सके है समय पर काम नहीं कर सके सब साल आषाढ़े में काम हुए है तो अ चीज सबके हमरा सबके रोक के चलिए एक प्रक्रियागत रूप में ओहो में हम सब सफल नहीं हो सकली जनता तो देख रहा है कि जे काल तक निरंतरता छे अखाड़िया बजट के हिसाब से वही हिसाब से अखनतों भ रहा है ओमे हम सब सफल नहीं भेले एकटा पक्ष। दोसर हम सब प्रदेश के नाम में राजधानी में भी अभी तक सफल नहीं भेले तो हम सब आप चाहे छे कि कम से कम प्रदेश के नाम आ राजधानी के लिए जब तक नाम आ राजधानी जे मतलब ठोस रूप में नहीं भा जाए छे तो हमरा सबके हमर नेतो सब कहे अहाँ सब दू नंबरी छी अहाँ सब सब दिन दू नंबरिये रहब प्रदेश के नाम दू नंबर है विपक्षी विपक्षी सब जी, तो आब हमरा सबके लिए हम ऐसे पहले उठाने चले बात कि हम सब 55 आदमी हो तो हमरा सब में कांग्रेस के एंट्री भेले सरकार में भ सके एक दू दिन के बाद माओवादियों की एंट्री होए तब तो हमरा बुझाए मधेश प्रदेश कायम करे में राजधानी कायम करे में कोनो दिक्कत नहीं होवे चाहे दू तिहाई हमरा सबके पुग जते अखन तो सामान्य बहुमत है अई में यदि नहीं करे छे तब तो सरकार में जे पक्ष आयल छे तो कोनो उद्देश्य नहीं भेले सरकार के जे मैंडेट छे सरकार के जे नीति कार्यक्रम छे सरकार के जे प्रदेश सभा में ओकर जे मतलब प्रदेश के नाम और राजधानी के नाम गेल छे ओहि के पक्ष में तो उठे पड़ते ओहि के पक्ष में तो लागे पड़ते तहने अई सरकार के मतलब वैलिडिटी के बात होती नहीं तो सिर्फ अहाँ कुर्सी में आब के इंजॉय कर के लिए आनंद लेब के लिए सरकार में आये छे तो मधेश के लिए दुर्भाग्य सरकार के लिए दुर्भाग्य छे। जे सब अपने सब के जहिया जे जसपा जे सिंगो रूप में जसपा छलिए
अखन किछ छिटफुट के अवस्था में छी, तैयो अपने सबके जे आंतरिक समर्थन देखा पड़ रहा है प्रदेश दू के सरकार ऊपर, जे पूर्व राजपा निकट के जे नेता कार्यकर्ता सब एक के विरोध में नहीं आयल छे। अखनो तक ल मुख्यमंत्री लाल बाबू रावत के आंतरिक समर्थन उनका सबके दिस छे। अइ बेर में जे काल तक ल अपने सबके विरोध में जे नेपाली कांग्रेस आ माओवादी एमाले तक किछ लचक रहे, एमाले के नेता कार्यकर्ता सब त नहीं बजे उग्र रूप से माओवादी के नेकपा निकट के जे माओवादी केन्द्र रहे तेकर नेता कार्यकर्ता आ कांग्रेस के सब दिन कहल के दुनमरी सरकार है। हाँ, आ नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव जे अपने के देखबे करे छलिए कि मुख्यमंत्री सब के मतलब बहुत रंग के मतलब जे अपशब्द सब के प्रयोग कहने छले, आए वो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बनल छे जे मुख्यमंत्री लाल बाबू रावत नेतृत्व के सरकार में छे अखन। आब उ सब दुनमरी सरकार कहते या त मधेश नामकरण में सहयोग करते। निश्चित रूप से काल तक नेपाली कांग्रेस हमरा मुख्यमंत्री जी के बारे में विभिन्न अपशब्द रेडियो मार्फत टीवी मार्फत हमी बात सब शब्द के नहीं प्रयोग करा जाए छे, अब सब सब प्रयोग कर सकते हैं, जनता बुझ रहा छे। आप नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व मुख्यमंत्री लाल बाबू रावत जी के नेतृत्व में सरकार में आयल छे, तो एक मतलब भेलै कि हमर सब के नेतृत्व स्वीकार कर लेलकै, हमर सब के नेतृत्व स्वीकार कर लेलकै, जसपा के नेतृत्व, जसपा के नेतृत्व स्वीकार कर लेलकै। कांग्रेस अभी कतै नै कह सके कि हम जसपा के नेतृत्व में नहीं छी, हमर नेतृत्व स्वीकार कर लेलक। लाल बाबू रावत भने को जसपा के नेतृत्व है ना, जसपा के नेता है ना, ओकर नेतृत्व स्वीकार कर लेलक, मतलब जसपा के नेतृत्व स्वीकार कर लेलक। आब ऐसे वो अलग नहीं भ सके, यदि अलग होते तो नैतिक रूप में वो सरकार में नहीं रह सके। तै दुआरे जसपा के द्वारा जे नीति कार्यक्रम गेल हाउस में, जसपा के द्वारा जे विकास निर्माण के बात होते, जसपा के द्वारा जे सरकार के फंक्शन सब छते, वही में हुनका वही में समर्थन करे पड़ते, एज ए सरकार के पार्ट भेला कारण। जसपा प्रदेश सभा में आके जानकारी कराओ, राजधानी में जनकपुर धाम पेश कहने हैं और नाम में मधेश प्रदेश पेश कहने हैं। अब ऐ में कांग्रेस के नैतिक बंधन छे कि सरकार के पार्टी सरकार जसपा द्वारा जे पेश छे राजधानी और नाम वही में समर्थन करे के चाहिए, नैतिक राजधानी छे जी, राजधानी में वो सब समय ठीक छे, नामो में पड़ल ना, सरकार में छे तो सरकार के प्रस्ताव भेल ना, सरकार के जे दल छे ओकरा द्वारा पेश छे, तो मैले सरकार में एंजॉय करबे आ सरकार के दल जे पेश करते ओकरा विरोध करबे, तो इतो मतलब डबल स्टैंडर्ड भ गेले, तब तो गलत बात भेल ना। दोसर बात हमरा सब के बीच में बात आयलिया कि राजपा भीतर के जसपा भीतर के द्वंद के बात छे, हम सब लाल बाबू रावत व्यक्ति के हमर कोनो विरोध नहीं है, प्रक्रिया के हमर विरोध है। लाल बाबू रावत जी के बहुमत होते दल के नेता उहे बनते, जे दिन बहुमत नहीं होते दल के नेता हम सब हटते, ये तो प्रक्रिया के बात है ना, लेकिन जे प्रक्रिया से दल के नेता बनल खिन वही में मात्र हमारा सबका संतुष्टि है। जहां तक लाल बाबू रावत के कार्यक्रम जतै नीति कार्यक्रम जतै वही में हमरा सबके कतै आपस में द्वंद नहीं है, कार्यक्रम के हमरा सबके नैतिक कर्तव्य छे कि जब तक हम सब जसपा में छे हमर काम है सरकार के जे कार्यक्रम छे ओकरा पास करके ओकरा सफल करने के दिन में जे जो नेपाली कांग्रेस आ माओवादी मधेश प्रदेश के लेल जे अपन मत रखते तो वही बेर में पूर्व राजपा निकट तो कोनो अलग त नहीं, एकदम नहीं। अहाँ विश्वस्त हो राम हृदय जी, आई हम टीवी में बोल रहा छी, मधेश प्रदेश के पक्ष में, जनकपुर धाम के राजधानी के पक्ष में, ये जसपा के निर्णय छे, ये व्यक्ति के हम नहीं देखे चाहे छी, परमेश्वर साह के, शैलेन्द्र यादव के, जेना हम राजधानी के हम प्रस्तावक छी, प्रदेश के नाम के लेल माननीय शैलेन्द्र जी प्रस्तावक छे, उ जसपा के प्रस्तावक छे, और जसपा के अंडर में मान लिए अहाँ के ओकरा नेतृत्व में कांग्रेस आयल ये, काल्हि माओवादी आबि सके है। आप यदि ये चीज के लिए अलग हो तेकर मतलब होते अहाँ कुर्सी इंजॉय करके ले आयल छी, सरकार के सहयोग करे के लिए, सरकार के हरेक कदम में वही सरकार के मंत्री के कर्तव्य हो सहयोग करे के लिए। यदि कोनो बहाना से कहते हम मधेश प्रदेश के पक्ष में नहीं छी, हम जनकपुर धाम के पक्ष में नहीं छी, तो ये नैतिकता नहीं कहे छे। नेताजी, आब हम सब एक कार्यक्रम के अंत दिस चल आयल छी, आब छोट में अपने जे कही तो अखन मुख्यमंत्री के कार्यालय से कहे छे कि भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल सहित जे तीन गोटे राज्य मंत्री के जे हटाएल गेल छे, तो उस सब कह रहल छे कि हम सब पदमुक्त कह देने छी। एहन विषय में अइ विषय में जे पूर्व राजपा के नेता कार्यकर्ता मनोवृत्ति में जनता समाजवादी पार्टी भीतर केहन असर पुगल, निश्चित रूप से हम सब जे दिन में सरकार बनेलिए त
तो गठबंधन के सरकार रहे, एगो दल के नेता लाल बाबू राउत रहे, दोसर दल के नेता जितेंद्र सोनल रहे। अहाँ देखियो हमरा सबके उ सरकार नेपाल के संविधान धारा 168 के दू बमोजिम छे, ओहि में लिखल छे दुई वा दुई भन्दा बढ़ी दल को बहुमत प्राप्त ले सरकार को नेतृत्व करना कुनी पनि सदस्य ले। धारा एक में 68 के धारा 168 के धारा एक में लिखल छे बहुमत प्राप्त दल को नेता मुख्यमंत्री होने छ, मतलब नेपाल के संविधान। हाँ, तो अखन हमरा सबके जे सरकार है हमें सब ये बात रखे छे कि हम सब दू के सरकार छे कि एक के सरकार छे, मान लें हम सब बनौली तो दू के सरकार, हमें सब कहे यदि एक के सरकार छे तो एक के सरकार माने जसपा के सरकार बहुमत भेले 55 आदमी हम सब भेलिए, तो जसपे भीतर के मंत्री के जै प्रकार से राति में अहाँ के सुतल समय में तपाई को काम संतोषजनक न भएको आरोप लगा के तपाईले हटाइएको छ या बर्खास्त गरिएको छ शब्द के प्रयोग भेले, निश्चित रूप से जसपा के जे कार्यकर्ता सब छे ओकरा तकलीफ भेले हटाबक, ई मुख्यमंत्री के अगर अधिकार है कोनो मंत्री के हटा सके, लेकिन अपने भीतर के मंत्री के ई चार्ज लगा के हटबे छे ई प्रक्रिया गलत है, ई शब्द के जे प्रयोग भेले ऊ गलत है। तकर बावजूदो हम सब हटाबे के अधिकार है, हाँ, लेकिन ऊ हाँ, शब्द प्रयोग जे समय जे समय के लगे अपने भीतर में मैं हम सब एक पार्टी के लोग छे त हमरा त कह सके मुख्यमंत्री जी ने कि ओ सुनल जी अपने के चलते हमरा दिक्कत भ रहल है अपने राजीनामा दे, वो तो कह सके छले ने ओ राज्यमंत्री जी राजीनामा कर देते ही होते आने आने तो बिहार के दिन में जे हटा के दिक्कत होते हैं मधेश विषय में जे मधेश प्रदेश के विषय में जे समर्थन लेबे के छ विपक्षी के लाभ चाहे छी सेहो कह सके छले, तो ई सब चीज नहीं देखलिए तो ऐ सब से ई बुझाल कि हमरा सब के साथे हम जसपा होय तो राजपा के व्यवहार हमरा सब साथे भेल, यदि हमरा सब के साथे राजपा के व्यवहार होते तब हम अपना केना अनुभूति करबे हम जसपा छी, हम तो अखन रोके रहल छी कि हम जसपा छी, लेकिन अहाँ के व्यवहार से आज मुख्यमंत्री हमरा सब के साथे जे व्यवहार के लिए तो ई फीलिंग होय पड़ले हमरा में कि हम जसपा छी, ठीक छे ओहो सही लेली ओहो पीड़ा सही लेली, अखन दिले तो हम सरकार के विरोध में नहीं गेलिए, काल्हि अहाँ के नीति कार्यक्रम पेश भेल प्रदेश प्रमुख द्वारा तो धन्यवाद ज्ञापन के पास करवे लिए हमरा सब के तो से नहीं, लेकिन हमर क्वेश्चन है कि हम सब जसपा के मेंबर कि राजपा के मेंबर, यदि जसपा के मेंबर छी तो जे गलती भेल छै एकरा अहाँ रियलाइज करबे कि नहीं करबे, दोसर कांग्रेस के सरकार में ले लिया ई केकर निर्णय से ले लिया, जसपा के निर्णय से ले लिया, व्यक्तिगत कोई अहाँ केकरो जोड़े समझौता नहीं न कर सकै छियै, दल के बैठक होबक चाही, दल के बैठक से निर्णय होबक चाही, और कांग्रेस कोन शर्त में हमरा सबके साथ सरकार में आ रहल है ई चेतावन जनता के बीच जनता जानै पड़ल ने कि अ कारण से सरकार में कांग्रेस अलिए, एक मतलब है अहाँ के जितेंद्र सोनल के अहाँ बर्खास्त कर कांग्रेस के ये तो मनमानी बात भेले, आई अहम मनमानी कर छे तो काल एक रिएक्शन नहीं होती से बात ना है, तो अब यो यदि हमरा जसपा जी का व्यवहार करते ठीक छे हम अहाँ जोड़े अहाँ के बहुमत है अहाँ के सेव है दल के एक प्रक्रिया है वही अनुसार से अहाँ के सपोर्ट में हम छी, लेकिन आत्मा से अहाँ के सपोर्ट में हम नहीं छी, आत्मा से अहाँ के सपोर्ट में नहीं छी, एहि दुआरे अहाँ के जे एक्टिविटीज है अहाँ के जे एक्शन है वो प्रक्रियागत नहीं है, वो अहाँ बदला के भावना से प्रदेश दू में जितेंद्र सोनल के और राज्य मंत्री के जे कार्रवाई के लिए हटे लिया और कांग्रेस के जे एंट्री करे लिया वही प्रति हमरा सब के विरोध है वही प्रति असहमति है। नेताजी थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद।